झारखंड के प्लस टू स्कूलों में अब शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1500 पीजीटी शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे काम की चर्चा की और झारखंड के पिछड़ेपन के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लंबे इंतजार के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र बांटा और इसके साथ ही अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। कार्यक्रम का आयोजन हुआ राजधानी के प्रभात तारा मैदान में। इन शिक्षकों की नियुक्ति प्लस टू हाई स्कूलों के लिए की गई है। 7 विषयों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। जिन विषयों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया उनमें शामिल हैं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, कॉमर्स, इतिहास और अर्थशास्त्र। दरअसल राज्य में 11 विषयों के 3000 से ज्यादा पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिनमें से पहले ही 700 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सीएम हेमंत ने बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति की गई है। शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। वैसे तो हम लोगों ने हजारों नियुक्तियां दी हैं, लगभग 20,000 से अधिक नियुक्तियां पहले ही हमने दे दिया था और लगभग अलग अलग आयोजनों के माध्यम से, कौशल विकास विभाग के माध्यम से, संगठित असंगठित क्षेत्रों में 60,000 से भी अधिक नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। शिक्षा में सुधार का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की चर्चा की, जिसके जरिए गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने जल्द ही ऐसे और स्कूल खोले जाने का ऐलान भी किया कि हम लोगों ने पहले चरण में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना करके दिया, ताकि हमारे राज्य के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा ग्रहण कर सके। बिल्डिंग बना, एन केन प्रकारन प्रारंभ भी किया गया, लेकिन उसमें अभी और कुछ जोड़ने की जरूरत है, बहुत कुछ जोड़ने की जरूरत है और उसे जोड़ेंगे भी। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि जो उद्योग कोरोना के वक्त बंद हुए वे फिर नहीं खुल सके। मुख्यमंत्री ने मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज कही जाने वाली HEC का भी जिक्र किया, जिसके कर्मचारी 2 साल से वेतन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर HEC राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है तो इसे फिर से संवार लिया जाएगा। HEC का ये मैदान है। HEC वो उद्योग है जिसको उद्योगों की जननी कहा जाता है। आज इस उद्योग के बदौलत पूरे देश में नहीं, अलग अलग दुनिया में भी उद्योग स्थापित हुई, लेकिन आज इसकी हालत क्या है देख लीजिए। उद्योग को बचाने का काम किसका है? इस उद्योग को बचाने का काम राज्य सरकार का नहीं है और राज्य सरकार के क्षमता के भी बाहर है। हां, यह बात जरूर है, अगर HEC भारत सरकार झारखंड राज्य को सुपुर्द कर दे तो HEC में जिस तरीके से 32,000 लोग यहां रोजगार करते हैं, उतना लोग फिर से इस HEC परिसर में रोजगार करते हुए आपको दिखेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर साजिश का आरोप भी लगाया, साथ ही ये भी बता दिया कि भले ही सहमत का खेल चले, जीत कैसे हासिल होती है ये उन्हें पता है। षड्यंत्र करेंगे तो हमें उनसे और ऐसे चीजों से ना कभी डर लगा था, ना डर है, ना कभी डर लगेगा। हम अपने कामों को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है ये भी जानते हैं और इनसे कैसे लोहा लेना है ये भी जानते हैं। ये चलेगा सहमत का खेल,
लेकिन आप लोग आश्वस्त रहें, आपके लिए और इस राज्य के नौजवान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा वो सोच नहीं है, वो नीतियां नहीं है कि इस राज्य के नौजवानों के, इस देश के नौजवानों के हक अधिकार को छीन लो। वो सोच, वो नीति हमारी नहीं है। 4 जुलाई को फिर से सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये पहला बड़ा कार्यक्रम था, तो हेमंत सोरेन ने बता दिया कि उनका फोकस कहां पर है। नियुक्तियों की चर्चा की गई तो साजिश का जिक्र भी किया। साफ है हेमंत सोरेन पूरी तरह चुनावी मोड में दिख रहे हैं और बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़।